ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 15 जनवरी 2020 बुधवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। मकर संक्रांति का महापर्व इस दिन रहेगा। मकर संक्रांति की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए तथा दान पुण्य करना, भगवान का पूजन करना और अन्य जो है पुण्य कर्म करना अनंत गुना फलदायी माना गया है। दिशाशूल जो कि उत्तर दिशा में होंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मकर राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, सिंह, धनु, मकर और कुंभ ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी इनको हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ऑफिस के कार्य सावधानी से करने होंगे। बातचीत, यात्रा और शिक्षा के मामले में आपको खास लाभ होगा। किसी करीबी व्यक्ति के साथ संबंधों में सुधार होगा। भविष्य को लेकर जो आशंका है उस पर अपने दोस्तों से बात करें, कोई समाधान आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में किसी की बुराई करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कुछ लोग फालतू बातचीत में आपका समय खराब कर सकते हैं, किसी और तरीके से रुकावट भी पैदा कर सकते हैं। काम का बोझ अधिक रहेगा, भीड़ में आप परेशान होंगे और खर्चा अधिक होगा। भविष्य को लेकर कोई आशंका आपके मन में बनी रहेगी। और उपाय के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को तिल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। निवेश का कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, जैसे आपको भविष्य में फायदा होगा। ऑफिस में अतिरिक्त वेतन के लिए अतिरिक्त कार्य भी आपको करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। कुछ लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। रचनात्मक कार्यों में नए विचार के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। किसी अनजाने सहयोग से आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पैसों से जुड़ा आपका जो फैसला है उसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। कोई भी फैसला यदि आपको करना है तो सोच समझ करके करना चाहिए। कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के पूर्व दिशा में घी का दीपक लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। सफलता के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। कई लोगों के साथ अधिकारियों का ध्यान भी आपके ऊपर रहेगा। लोग आपसे किसी न किसी तरह की सलाह लेते रहेंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा। सलाह देने में संकोच न करें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। खर्च ज़्यादा होगा और आपको किस्मत का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को बेसन से बनी कोई भी मिठाई दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। पैसों के मामले सुलझाने में कई लोग आपकी मदद करेंगे। उधार पैसों के लेन देन में परेशानी नहीं होगी। आपके सामने कामकाज कुछ अधिक रहेगा। आप व्यस्त रहेंगे और कुछ काम समय पर पूर्ण भी कर लेंगे। इससे कोई न कोई जो है आपकी मदद भी करेगा और कम समय में आपके अधिक से अधिक काम निपट जाएंगे। धैर्य और संयम से काम करना चाहिए। पार्टनर या दोस्तों से कोई न कोई बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
आज आप लंबे समय के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। नया घर, नया वाहन, नई वस्तु खरीदने का मन आपका रहेगा। मन लगाकर के कोशिश करेंगे तो हर एक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की जरूरतें आप आसानी से समझ जाएंगे। शाम को भाइयों और पड़ोसियों के साथ समय व्यतीत होगा। जिम्मेदारियां आपके काम में रुकावट बन सकती है। किसी को उधार पैसा न दे, नहीं तो वापस मिलने की संभावना कम ही है। कुछ कामों में आपको कंफ्यूजन होगा, इस वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आज आप विवादों में भी उलझ सकते हैं। पुराने दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। कुछ सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आपका मूड खराब हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप नहाने के पानी में एक बूंद गंगा जल डालेंगे तो आपका दिन सुफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। खुद पर भरोसा करें तो आपकी कोशिशें में जो है 4 चांद लग जाएंगे और आप किसी सामूहिक गतिविधि में नेतृत्व करेंगे, उसमें सफल भी हो जाएंगे। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो सकती है। दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी होगी। मदद के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। किसी प्रकार की देरी या कंफ्यूजन की स्थिति में थोड़ा धैर्य रखें। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी, सावधान आपको रहना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में सेव फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। रचनात्मक कोशिशों के लिए दिन अच्छा है। अपनी भावनाएं किसी भी ढंग से जाहिर करने में आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। आने वाले 1-2 दिन में यात्रा का योग है। कैरियर या परिवार के मामले में कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। पैसों के मामलों में आप वही करें जो आपका मन कहता है और उसमें आपको फायदा होगा। सेहत पहले से ठीक रहेगी और घूमने फिरने का अवसर आपको मिलेगा। नए काम शुरू भी आप कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को तिल और गुड़ की मिठाई दान करेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। पैसों के लिहाज से समय अच्छा है। अचानक धन लाभ होगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श आपका हो सकता है। दिन अच्छा रहेगा। आपको मदद मिलेगी और काम समय पर पूरे हो जाएंगे। संतान से सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। किसी बात या स्थिति को लेकर आपके मन में कोई डर है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप एक नारियल देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कोई बड़ा काम पूरा करने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। नए मौकों का फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहे। आमतौर पर लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। समय बिताने का कोई नया तरीका आपके दिमाग में आएगा। सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोई नया काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य करें। आज आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं और अपनी बातों को लेकर थोड़े जिद्दी भी रहेंगे। यह स्थिति आपकी परेशानी बढ़ा सकती है और धन हानि होने का योग बन रहा है, इसलिए अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल न करें। और यदि आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझने की आवश्यकता होगी। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बैठ जाएगा। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेगी। कैरियर से जुड़ी नई प्लानिंग हो सकती है। आपको पैसों के मामलों में कुछ फैसले जबरन लेने पड़ सकते हैं और इससे समाज में आपकी अच्छी इमेज बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कोई मांगलिक या नया या शुभ कार्यक्रम आपके घर परिवार में संपन्न होने का योग या योजना आप बना सकते हैं। सही ढंग से सही दिशा में आप फैसले लेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप सरसों का तेल जो है अपने शरीर के ऊपर लगाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। नए पुराने और महत्वपूर्ण आप व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।
पैसों का जो है लेन देन आप सावधानी पूर्वक करेंगे और बचत के भी कई अवसर आपको दिखने को मिलेंगे। नए काम आपके शुरू हो सकते हैं और कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और कार्यक्षेत्र रोजगार में आपको अच्छा फायदा होने का योग है। अचानक रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा या रहस्यमय तरीके से भी आपको धन लाभ हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप तिल से बनी कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। जिस काम से आपको उम्मीदें थी उसका नतीजा अच्छा रहेगा। की गई कोशिशों का नतीजा आपके फेवर में रहेगा। कोई संवेदनशील जानकारी आपको मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तनाव या दबाव आपके ऊपर आ सकता है और लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा असंतोष उत्पन्न होगा लेकिन चिंता न करें, शाम होते होते सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।